हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एलेनेड हीट का जो QU32 यानी 32 चैनल का जो मिक्सर है उसके बारे में छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं। फ्रेंड्स, बेरिंगर का जो X32 है उससे कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मिक्सर है ये, और मिलाना चाहूँगा योगेंद्र जी से जो कि काफ़ी कुछ जानते हैं DMX कंट्रोलिंग के बारे में भी और LED बॉल के बारे में भी। फ्रेंड्स, इसका मैं कुछ क्लोज लुक दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। आप पीछे से देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने माइक्रोफोन्स यानी प्रीएम्स का सेटअप दिया हुआ है, और ये है आपका मेन आउटपुट यानी कि मैट्रिक्स आउटपुट। चार आउटपुट आप ले सकते हैं, लेयरिंग वगैरह अगर आप सीख जाएंगे तो ये चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है, ठीक है ना। और ये हैं आपके मिक्स आउटपुट, ये मेन आउटपुट हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें फ्रेंड्स है कि छोटे से वीडियो की थ्रू तो इस मिक्सर को समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी कुछ बेसिक इसका क्लोज लुक आपको देने की कोशिश करता हूँ और कुछ बेसिक जानकारी। ये एक LNHEAT का डिजिटल मिक्सर है जो कि बेरिंगर X32 के बराबर मान सकते हैं, वैसे इससे काफ़ी आगे है ये। इसकी अगर मैं सामने की बात करूँ फ्रेंड्स फ्रंट की, तो पैरामेट्रिक इक्विलाइजर का सेटअप आपको सामने ही मिल जाता है यानी कि PEQ का गेट का ऑप्शन आपको सामने मिल जाता है, और कंप्रेशन भी आपको सामने ही मिल जाता है। GEQ भी इसमें होता है। जितने भी साउंड की प्रोसेसिंग होती है चाहे डायनेमिक हो या जो भी हो वो आपको इस मिक्सर के अंदर मिल जाती है। पर्टिकुलर चैनल को आप म्यूट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेयरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके जो फेडर होते हैं फ्रेंड्स, ये मतलब मोटर फेडर होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक आप जहाँ पर सेट करेंगे जिस लेयर में बटन दबाने के साथ ही ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसका कंट्रोल का सॉफ्टवेयर भी आता है, ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर से भी इसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इसे सॉफ्टवेयर से ही यूज़ करता हूँ। अभी इसका पूरा कम्प्लीट लुक आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मिक्सिंग कंसोल है, 32 चैनल का है। ये आपका मेन मास्टर का वॉल्यूम है, और ये जो चीज़ें फ्रेंड्स ये एक वीडियो के थ्रू समझा पाना मुश्किल है। इंडिकेशन का मॉनिटरिंग यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सारा जो आप स्विच देख रहे हैं तो ये LED पैनल जब स्टार्ट होगा, हम कभी इस बारे में वीडियो बनाएंगे तभी आप इसको देख सकते हैं। हालांकि एक अच्छी बात बता दूं, ये सारा स्क्रीन जो होता है ये टच स्क्रीन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में आपको।